असलकम स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में एक केस स्टडी के ज़रिए मैं डेमानस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी कि सेम सोशल एंटरप्रेन्योर सेक्टर है लेकिन ओवर द इयर्स कैसे फंडिंग सोर्सेज जो चैलेंजेस आते हैं उनको अचीव करने में उनको वेल करने में और जो सॉल्यूशंस इनोवेटिव जो हैं मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स ने अपनाए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे ताकि जो हमने पीछे मॉड्यूल्स जिनमें हमने मुख्तफ इश्यूज़ फंडिंग के हवाले से डिस्कस किए उसको एक अमली तौर पर देख सकें दो हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स को चुना है एक ग्रामीण जिससे इस कोर्स के ज़रिए आप बहुत फेमिलियर हैं हमने बहुत डिटेल से इसके बारे में स्टडी किया बांग्लादेश में बैंक फॉर पोअर है दूसरे बेसिक्स इज काइंड ऑफ न्यू किड ऑन द ब्लॉक एक नई ऑर्गेनाइजेशन है एक नए सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जो हम इस कोर्स में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ग्रामीण जैसे आपको पता है कि पॉवर्टी की साइकिल को तोड़ने के लिए माइक्रो फाइनेंस को उन्होंने यूज़ किया इनोवेशन ये की कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की गारंटी थे कोई फाइनेंशियल या एसेट्स की टर्म्स में कोलेट्रल नहीं था जो कि ट्रेडिशनल बैंक्स को चाहिए होता है ग्रामीण जो है वो एक गांव के एक कम्युनिटी के चार लोगों की गारंटी पर एक इंडिविजुअल को लोन देता था माइक्रो लोन वेरी स्मॉल लोन्स ताकि वो उनको इन्वेस्ट करके अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करके अपनी पॉवर्टी के उसमें से बाहर आ सकें ग्रामीण ने जब अपने इस काम को स्केल अप करने की कोशिश की बढ़ाने की कोशिश की तो बैक इन 1980s, 1990s अप्रोच ये थी उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस किया कि ज्यादा लोन्स दिए जा सके छोटी अमाउंट ज्यादा लोन ज्यादा लोगों को और ओवर पीरियड ऑफ 50 52 वीक्स वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके उनको वापस करना होता था बांग्लादेशी करेंसी में चंद टका जो है वो वो वापस करके तो 50 60 हफ्तों में उस लोन को वापस करते थे लोगों को ट्रेडिशनल बैंक या लेंडर की नस्बत ये आसान लगता था कि एक तो कोई कोलेट्रल नहीं है कोई एसेट्स उन्हें नहीं रखना पड़ रहा कोई गारंटी फाइनेंशियल नहीं देना पड़ रही लोन की और दूसरे एक लंबा पीरियड है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर सकते हैं जिस दौरान उनकी जो एंट्रप्रोरियल एक्टिविटी है वो टेक ऑफ कर सकती है ऑफकोर्स ग्रामीण ने टेक जो है स्केल अप किया अब ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दूसरी जगहों पर मिला के जहाँ पे ग्रामीण मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है 150 मिलियन कस्टमर्स हैं इस अप्रोच में ग्रामीण बैंक या सिमिलर मॉडल्स जो हैं उसके पूरी दुनिया में अ ह्यूज नंबर मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक प्रोडक्ट को अगर ज्यादा लोगों को जिसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं उस पर किया जाए तो वाइबल है वही पैसे बार बार वही फंड्स जो हैं वो रोल हो रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं उसकी नस्बत बेसिक्स जो है वो नाइनटीन में इंडिया की जो रियासत हैदराबाद वहाँ पे ये एक सोशल एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम हुई और ये किसानों के साथ काम कर रहे थे बहुत जल्दी इन्हें एहसास हुआ और कोर्स ये भी एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन ये माइक्रो फाइनेंसिंग कर रही थी लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए यानी वो पोरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं लोग जिनके पास कुछ ना कुछ है फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन है या वो किसी की ज़मीन जो है वो ले के उसको आ, लीज पे ले के उसको कास्ट कर सकते हैं या वो सप्लाई चेन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव है तो बहुत जल्दी बेसिक्स को एहसास हुआ कि किसानों को माइक्रो फाइनेंस करना जो है वो इतना आसान भी नहीं है और वायबल भी नहीं है पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी किसान जो है वो एक या दो मेजर क्रॉप्स लेते हैं साल में और जैसे कॉटन है या राइस है या व्हीट है या शुगर केन है और थोड़ा बहुत वो अपने गुजारे के लिए कहीं कोई सब्ज़ी कहीं कोई और छोटी मोटी फ़सल जो है वो काश्त करते हैं फिर इश्यूज़ आ जाते हैं कि अगर तो फसल ठीक है तो छः माह बाद या साल बाद वो लोन वापस कर सकते हैं लेकिन अगर फसल ख़राब हो जाए बारिश हो जाए या बारिश ना हो कोई कीड़ा लग जाए किसी फसल को कोई बीमारी आ जाए तो किसान इज़ हेल्पलेस वो कैसे उस लोन को वापस करेगा और बेसिक्स जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर लोन्स जो है वो कैसे देगी बेसिक्स ने अनलाइक ग्रामीण अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया उन्होंने एक लोन देने की बजाय उसके साथ कुछ और चीज़ें टेलर की मसलन वो किसानों को ट्रेनिंग देते थे कि आप कैसे अपनी फसल की हार्वेस्ट जो है जो क्रॉप है उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं यील्ड को क्या नई टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए से आपकी फ़सल ज़्यादा हो सकती है इसी तरह वो मुख्तलिफ़ जो आफतें हैं जैसे अगर बारिश नहीं हुई या ज़्यादा हो गई फ़सल को कीड़ा लग गया तो उस सूरत में जो इनपुट्स हैं उसके हवाले से भी लोन्स देते थे जैसे कपास में अगर कीड़ा लग गया तो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं तो बेसिक्स जो हैं वो सिर्फ साल के बाद या छः माह के बाद एक लम सम लोन की बजाय उस ख़ास मौसम में उस ख़ास कंडीशन के लिए एक लोन फ्राहम करते थे कि किसान दवाई ख़रीद सकें उनकी फसल बच जाएगी तो उनका लोन वापस हो जाएगा इसी तरह बेसिक्स जो हैं वो किसानों को अपनी प्रोडक्ट को फिनिश्ड फॉर्म में मार्केट करने की तरबियत देते थे जैसे फल हैं तो फल अगर मार्केट जाएगा तो उस पर उतना रिटर्न नहीं होगा उसकी बजाय फल जो है अगर उसको मुरबे की शक्ल में या जैम जैली या किसी जूस की शक्ल में एक तो वो प्रिजर्व हो जाएगा उसके ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाएंगे और दूसरे उस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो बेसिक्स ने अपने लोन्स को इस तरह से डायवर्सिफाई किया कि एक बड़ा लंप सम लोन किसान ले सकता है फसल लगाने के लिए लेकिन जैसे जैसे उसकी फसल जो है वो आगे चलती है ग्रो करती है हार्वेस्ट की तरफ आती है या हार्वेस्ट होके आ जाती है तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर जो सप्लाई चेन है उसमें और क्या इनोवेशनस हो सकती हैं जब बेसिक्स की ये एक्टिविटीज़ बढ़ी और किसानों में ये छोटे छोटे लोन्स पॉपुलर होने लगे तो बेसिक्स ने मार्केटिंग और अकाउंटिंग की ट्रेनिंग भी किसानों को देना शुरू कर दी इतनी मुख्तफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ आप सोच रहे होंगे कि शायद बेसिक्स जो है वो स्केल अप ना कर सका हो कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिर्फ लोकली चंद किसानों को या मैक्सिमम किसी एक ज़िला या एक सूबों में किसानों को लोन्स दे रही हो ऐसा नहीं है बेसिक्स को थोड़ा टाइम लगा लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ तकरीबन टेन ईयर्स दस साल के अर्से में बेसिक्स के इस वक्त 1.5 मिलियन कस्टमर्स जो आखिरी 2010 में स्टडी हुई उनकी उसमें 1.5 मिलियन कस्टमर्स हैं सारे किसान हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोन्स अपने जो उनका हारवेस्ट का एक चेन है उसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर लेते हैं और बेसिक्स का रिटर्न रेट जो है ये आ, उसके लिहाज से दुनिया में शायद चौथी बड़ी माइक्रो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में प्रोबेबली नंबर वन या नंबर टू आ, इस तरह से तो ग्रामीण की अप्रोच फंडिंग के हवाले से फंड्स को सर्कुलेट करने के हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से और रिटर्न के हवाले से बिल्कुल फर्क थी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा लोगों को सर्विस करने की उसके मुकाबले में बेसिक्स की अप्रोच जो है वो बिल्कुल फ़र्क है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया एक से ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स ऑफर की और उसके साथ जो फैसिलिटेटिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग का एलिमेंट है वो भी किया और अब वो दे आर स्केलिंग अप तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे वक्त के साथ साथ, साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में फंडिंग के हवाले से इश्यूज और उनको रिस्पोंड करने के तरीकों में तब्दीलियां आ रही हैं थैंक यू